जी आपके पास, क्या कुछ दिल्ली में जो हो रहा है और जो अभी चल रहा है, पेशी चल रही है, लेकिन खबरें क्या हैं और आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, इस पे नेहा हेरट केस पे हम लोग बहुत विस्तार से एक बार नहीं कई बार बात कर चुके हैं कि 8 साल पुराना केस है। ईडी के डायरेक्टर कटोच थे, वो इसको बंद कर चुके थे, उसके बाद इसको दोबारा खोला गया है। जाहिर सी बात है कि इस केस में मेरिट कम दिखाई देती है, जिस तरीके की बातें तमाम कांग्रेस के जो सीनियर वकील हैं वो भी करते हैं। लेकिन इस केस ने 2-3 काम बड़े अच्छे कर दिए। एक तो कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर जो थोड़ी बहुत बातें हो रही थी, उनको अब डब्बे में बंद कर दिया। आज केवल दिल्ली में नहीं, देश भर में वीडियो थोड़े थोड़े जो सोशल मीडिया पे मुझे दिख रहे हैं या मीडिया में, तो देख रहे हैं कि देश के तमाम हिस्सों में आज जो है प्रदर्शन हुए। और बड़े नेता जो आमतौर पे इसलिए बदनाम है कि वो घर से निकलते नहीं हैं और जिनको कहा जाता है कि एसी में बैठ के पॉलिटिक्स करते हैं, वो भी नेता आज निकले, गिरफ्तारियां हुई। 2 मुख्यमंत्री थे, पूरा कांग्रेस सड़क पे था। तो ये कि विधानसभा चुनाव के बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता में एक शिथिलता आ गई थी, एक नाउम्मीदी आ गई थी, जोश में जरा कमी आ गई थी उनके, वो लगता है कि आज थोड़ा रिवाइव हुई है उससे। आज दिल्ली में बहुत गर्मी थी, 44 डिग्री टेम्परेचर था, और उस भयानक गर्मी में ये सारे लोग निकले हैं और दिल्ली की सड़कों पर और गिरफ्तारियां हुई हैं। तो कांग्रेस के लिए ये अच्छी बात है कि उनको उनके अंदर वापस एनर्जी लेवल आया है। दूसरा कि राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर जो बातें हो रही थी वो आज मतलब पब्लिक डोमेन में वो ख़त्म हो जाएंगी आज के बाद से, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम सारे लोग जो दबी आवाज़ में या इधर उधर बात भी करते थे, वो भी आज निकले और राहुल गांधी की लीडरशिप को उन्होंने तस्लीम किया है, एडमिट किया, एक्सेप्ट किया है। तो ये 2 मुख्य बातें हैं। बाकी तो जो ईडी की कार्रवाई है वो हम लोग देख ही चुके हैं कि मतलब गुपकर कमेटी की मीटिंग हो तो फारूक अब्दुल्ला को बुला लो, महाराष्ट्र में चुनाव हो तो पवार को बुला लो, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो तो अखिलेश के यहाँ छापे मार दो, तमिलनाडु में चुनाव हो तो स्टालिन की बेटी के यहाँ छापा मार दो। तो ये तो चल रहा है पूरे देश में, तो उस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो लेकिन कांग्रेस के पक्ष में ये 2 बातें बहुत अहम है जो जाती हैं आज। राजीव जी,